अलीगढ़ में एक युवक ने चलती ट्रेन में भीड़ द्वारा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इसके बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित युवक की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अलीगढ़ के तालिब नगर के रहने वाले हाफिज मोहम्मद फरमान नियाजी ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो डाला है, जिसमें मारपीट की घटना होने की बात कही गई है। पीड़ित युवक का कहना है कि वह पढ़ाई के लिए अलीगढ़ से बरेली पैसेंजर में सफर कर रहा था, तभी राजघाट नरोरा स्टेशन के पास कुछ लोग ट्रेन में आए और धार्मिक गालियों के साथ मारपीट करने लगे। बाद में उसके सिर से टोपी को उतारकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मारपीट कर उसके कपड़े भी फाड़ दिए, चश्मा तक तोड़ दिया और उसे मार मार कर बेहोश कर दिया। अस्सलामुअलैकुम भाइयों, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फरमान नियाजी है। मेरा गांव तालिब नगर है और जिला अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं अपने मदरसे जा रहा था सुनामी हाल से बरेली शरीफ खानकाह आलिया नियाजिया मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में कुछ लोगों ने ट्रेन में मेरे साथ बदतमीजी वगैरह की, मेरी टोपी वगैरह फेंक दी और कपड़े वगैरह फाड़ दिए थे और गाड़ी के अंदर ही बेहोश कर दिया था। फिर उसके बाद मुझे होश नहीं, मैं कहाँ पढ़ाऊँ। दूसरे दिन किसी अनजान जगह पढ़ा था, किसी आंटी वगैरह ने होश दिलाया था। फिर मुझे घर पहुंचा दिया गया था, ट्रेन बस में उठाकर मेरे घर पहुंचा दिया गया था। इस मामले के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को मॉब लिंचिंग का डर सताने लगा है। छात्र ट्रेन या बसों में सफर करने से कतरा रहे हैं। एमबीयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजल हसन ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए देश में समुदाय विशेष के लोगों को जातिगत और वेशभूषा के आधार पर टारगेट किए जाने पर चिंता जताई है। हाँ, कार्रवाई जाहिर सी बात है कि ये कोई मामूली बात नहीं है। हर दिन कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई स्टूडेंट सफर कर रहा है, कहीं पढ़ने जा रहा है। बहुत सारे हाफिज आलिम हैं और जा रहे हैं, कुर्ता पैजामा पहन करके जा रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं। अब क्या इससे डर, देखिए एक बच्चे के साथ हुआ वो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये सवालिया निशान। वो लोग डर के मारे सफ़र करना बंद कर देंगे। यानी कि अब सवाल ये है कि सफ़र में हमसे ये कहा जाएगा या हम अपने बच्चों से या अपने छोटे भाइयों से ये कहें कि बेटा कुर्ता पैजामे में मत जाना, बेटा जो है टोपी लगा करके मत जाना, बेटा अपना नाम जो है मुसलमान जैसा न बताना। यानी ये आने वाले वक्त कहीं ऐसा ना हो, अगर ऐसे चलता रहो तो यही होगा कि जहाँ पर लोग टारगेट कर रहे हैं कुर्ते पैजामे वाला और टोपी देख करके टारगेट कर रहे हैं, उसकी दाढ़ी थी उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको गाली दिया जा रहा है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। तबरेज अंसारी के साथ हुआ, उसके दूसरे दिन बंगाल में एक हाफिज को जय श्री राम का नारा वही ट्रेन में नहीं लगाया, वहाँ की पैसेंजर में वेस्ट बंगाल में, और उसको उठा करके चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसकी आँख वाँख में सब में पूरा सूजन आ गई, बच गया खैर, लेकिन बस ये था कि कैसे बचा होगा, सोची कि ट्रेन से फेंका कितना उसको चोट आई होगी। तो ये जो चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, हमको ये रोकने की ज़रूरत है। ये इस तरह नफरत पैदा करके देश टूट जाएगा, आपस में लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, देश बिल्कुल बंटवारे की तरफ चला जाएगा। ये गृह युद्ध जैसा मामला है कि कोई धर्म के नाम पे, कोई राम के नाम पे, कोई हनुमान के नाम पे किसी की मॉब लिंचिंग किए दे रहा है। पीड़ित ने बताया कि बाद में लोगों ने आधार कार्ड की मदद से अलीगढ़ की बस में बैठा कर उसे घर भिजवाया। मामले में पीड़ित युवक ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। युवक की तहरीर के आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं मामले को लेकर एसपी सिटी का कहना है कि ये कोई मॉब लिंचिंग का केस नहीं है, बल्कि ये दो गुटों के बीच लड़ाई का मामला है। देखिए, मॉब लिंचिंग का केस नहीं है, ये बेसिकली लड़ाई का केस और जहर घुरानी का केस है। इसके अंदर जो है एक 17 वर्ष का लड़का था, मुजाहिर हुसैन, ये तालिब नगर जवान थाने का रहने वाला था। ये जो है 18 तारीख को यहाँ पे अलीगढ़ से ट्रेन पकड़ करके जा रहा था, तो बुलंदशहर में राजघाट एक जगह है, वहाँ पे इसका बताना था कि 7-8 लड़के जो हैं वो ट्रेन में चढ़े हैं। ट्रेन में चढ़ने के बाद में उनके साथ कुछ खास सुनी हुई है, उसके बाद उन्होंने उसके साथ मारपीट की है। मारपीट करके उसका ये कहना है कि उसको कुछ सुंघा दिया था, उसके बाद वो बेहोश हो गया था। उसके बाद वो उसने अपने आप को ट्रेन से नीचे कहीं पाया, उसके बाद कोई आंटी थी उसने उसको पानी वानी पिला करके, और फिर वो बरेली में पढ़ता है, बरेली गया, उसके बाद अपने घर पे आया 19 तारीख को। 19 तारीख में आकर के अपने माँ बाप को बताया, पर उसके द्वारा कोई भी सूचना थाने पे नहीं दी गई थी। उसके बाद में अभी एमयू पे कुछ लड़कों ने उसका वीडियो बना करके और बाकी ये जो घटनाक्रम चल रहा है उससे जोड़ने का प्रयास किया है,
और इसके अंदर जो है अभी उनके माँ बाप को भी बुलाया गया था, उसके भाई को भी बुलाया गया था जो कि सिक्योरिटी का काम करता है एमयू के अंदर, और उन सबसे पूछताछ की गई है। तो उनके द्वारा जो है अभी एक एप्लीकेशन दी गई है, उस एप्लीकेशन के हिसाब से 323, 324, 328 जहर खुरानी, और उसके अलावा जो है उसका सामान जो छूट गया था तो उसमें चोरी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर युवक जब ट्रेन से बरेली जा रहा था तो अलीगढ़ के खैर इलाके तक कैसे पहुंचा? पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अलीगढ़ से न्यूज के लिए अजय कुमार की रिपोर्ट।